हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टक्स पेंट, आप अपने लैपटॉप में टक्स पेंट कैसे डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि जो टक्स पेंट है वो एकदम फ्री है, और ना आपको उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना आपको उसको खरीदने की ज़रूरत है। तो मैं बता दूँ आपको क्या करना है। अगर आप कोई सी विंडो हो आपके पास, आपको क्या जाना है, सर्च में जाना है। मेरा सर्च हो चुका है स्टार्ट, और आपको टेक्स्ट पेंट टाइप करना है। इधर टेक्स्ट पेंट आ चुका है, आपको उधर क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। पर मैंने इधर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो जब आपका इंस्टॉल होगा आपको उसको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपका वो नेट से चलेगा, सेकंड टाइम आप उसे ऐसे चला सकते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हो मेरा टेक्स्ट पेंट ओपन है, ये मेरा ओपन हो चुका है। जब आप फर्स्ट बार करेंगे तो आपका कुछ ऐसे टाइप का आपको दिखेगा, तो मैं आपको बता दूँ किस किस आइकन का क्या क्या यूज़ होता है। बाकी आइकन का मैं आपको बात नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो ये होता है हमारे टूल्स, ये हमारे टूल्स होते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट ऑप्शन है इधर पेंट, आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इधर जो ब्रश लिखा है उधर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप इसे मोटा करना चाहते हैं तो आप इसे मोटा भी कर सकते हैं, अगर आप इसे पतला करना चाहते हैं तो आप पतला भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पतला, ये सबसे पतला है, और यही ऑप्शन आपका एक्टिव रहता है। लाइंस और जो आपका पेंट है वो एक ही ऑप्शन है दोनों में, वो एक ही टूल्स है दोनों। शेप में अगर आप जाएंगे तो इधर आपको सारी शेप मिल जाएंगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपनी लाइन या किसी भी चीज़ का कलर बदलना चाहते हैं तो इधर से आप उनका कलर बदल सकते हैं। तो आप कोई सी भी, कितने भी पतली का ले सकते हो, कितना भी मोटे का ले सकते हो। आप देखते हो जितना मैं ठीक ले रहा हूँ उतना ठीक है। रैम पे क्या होता है, तो आपके पास से 6 ऑप्शन ऑलरेडी रहते हैं, वो उस टेक्स्ट पेंट के तो पेंगुइन होता है। आपने जैसे मैंने दिखाया था कि जब मैं आपको डाउनलोड कर उसे इसे इंस्टॉल करने को बता रहा था, तो आपने देखा था कि उधर एक पेंगुइन था, तो उसी पेंगुइन की कुछ फ़ोटो इधर लगी रहती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 6 फ़ोटो हैं, आप देख सकते हैं मैं जो जहाँ जहाँ इसे डाल रहा हूँ और जिस जिस फ़ोटो को ले रहा हूँ ये उधर उधर लग रही है, ना देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इन लाइन्स होता है, जितनी भी आपकी लाइन्स है ना, आप कैसे भी चाहती हो, कैसे भी चाहते हो कि ये वाली ले जाइए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, अगर आप इससे कोई से भी आप शेप बना सकते हो। इसमें ज़्यादा शेप नहीं होती, इसमें बहुत कम शेप होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये अब आगा शेप, इसमें आपकी सारी शेप रहती है, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार, सारी आप इसकी शेप रहती है। इधर टक्स है और एबल है, ये दोनों ऑप्शन भी एक ही होते हैं। इन दोनों ऑप्शन के जरिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, और इस ऑप्शन के जरिए भी आप लिख ही सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो कलर मैंने चूज़ किया है आप उसी कलर में इसे लिख पाएंगे। फिल को ऑप्शन में आप कोई सा भी कलर लेके अपनी स्क्रीन को फिल कर सकते हैं, देखें। और आपको कुछ जगह फिल नहीं करना तो आपको लाइन बनानी पड़ेगी पेंट के जरिए से, देखिए। और मैजिक, हमारे जितने भी मैजिक्स होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं, मतलब मीन्स मेन टूल इसमें इसके अंदर ही रहते हैं मेन टूल। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैजिक के बारे में। इधर अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है या फिर आप दोबारा से उसे वापस लाना चाहते हैं तो इधर अंडो और रेडो का भी ऑप्शन है। मैंने जैसे अंडो कर दिया और फिर रेडो कर दिया, आप देख सकते हैं। इधर इरेज का है, आप कितना भी अपनी बड़ी इरेजर ले सकते हैं, मैंने सबसे बड़ी ली है, और आपकी ये एक्टिव भी रहती है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा।
ये देख सकते हैं, ये ऐसे पूरा वाइट कर सकता हूँ। न्यू न्यू पे जाके मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था, आप कोई सा भी अपना पेज चूज कर सकते हैं, कोई सा भी जाके पेज चूज कर सकते हैं। देखिए मैंने पेज चूज कर लिया, तो ये पेज आ चुका है। और अब आप ओपन में जाके जितनी भी आपने फाइल बनाई है, आप उन फाइल का सारा आपका इसमें रहता है। जैसे कि मैंने ये निकाल लिया, मैं दोबारा वाइट पेज ही लगा लेता हूँ। यस, और इधर एक प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप जो पेंटिंग आपने बनाई है उस पेंटिंग को आप अपनी कॉपी बना सकते। बाकी अगर आप फील्ड पे जाते हो तो फील्ड पे आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपको नीचे कलर दिए गए होते हैं और कलर लेके आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इसलिए फील्ड में कोई सा भी कलर नहीं, कोई सा भी साइड में नहीं होता। और आप देख सकते हैं बाकी सबके शेयर में हर एक ऑप्शन होता है। पर आपको अगर ये वाला पेज नहीं चाहिए तो आप न्यू पे जाकर कोई भी सा भी अपना पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं, इधर कुछ ड्राइंग के भी पेज दिए गए हैं। तो अगर मैं कोई सा भी इधर से पेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं अगर ये वाला पेज सिलेक्ट करा तो ये आ जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे तो ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपने एक पेज सिलेक्ट किया और आपको ये वाला पेज नहीं चाहिए, तो आपको दोबारा से न्यू पे जाना है और जो आपको पेज लेना है उसे ले लेना। जैसे कि मेरे को ये पेज चाहिए, और फिर आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो पेज आएगा, नहीं तो वो पेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टैम्प से शुरू करते हैं। स्टैम्प पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 पिक्चर है। आप अगर आपको और पिक्चर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके जो भी आपने फाइल बनाई है आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। पे जाके आप अपनी ये जो आपने बनाया है आप उसको सेव तो नहीं कर पाएंगे, पर जो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है वो आपका हट जाएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट हट जाएगा, नो पे करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो नहीं हटेगा, आपकी स्क्रीन रहेगी, विजिबल रहेगी। तो चलिए मैं आपको एक पेंटिंग बना के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट हम मैजिक टूल में जाएंगे। अब दोस्तों जैसे मैंने इधर ग्लास सिलेक्ट कर रखी है, पर मैं इसका ग्लास का यूज नहीं करूंगा, मैं तो ब्रिक्स लूंगा। आपको छोटे वाले ब्रिक्स लेना है जो 4 नंबर पे होंगे, आपको 5 नंबर वाले ब्रिक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर ये वाले ब्रिक्स बड़े हैं और ये वाले ब्रिक्स छोटे हैं तो मुझे अभी छोटे की जरूरत है, तो मैं छोटा लूंगा। आपको जैसी जरूरत हो आप उस अनुसार लीजिएगा। दूसरी तरफ भी बना दिया है, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, तो मुझे इसे पूरा ख़त्म नहीं करना है, तो इसलिए मैं इरेजर लेके इसे ख़त्म कर दूंगा। अब मुझे घर को कंप्लीट करना है। तो अब मुझे लाइंस में जाना है। लाइंस में ऐसे मुझे कोई अच्छी सी लाइन ढूंढनी है। यस, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हम इनसे ही फ्लैग बनाएंगा। तो अब मैं एक ट्री बनाऊंगा, और ट्री में मेरे को ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को पेंट में जाना है। पेंट में जाके मुझे सबसे मोटा लेना है और फिर ट्री की शेप बनानी है। मेरे से गलत कलर ले गया था तो मैंने अंडो कर दिया, और अब मैंने ब्राउन लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी लीव्स। तो इसके लिए हमें जाना है इसके ही नीचे स्क्रॉल डाउन करके
जहाँ ब्रश लिखा है उसका नीचे जाना है हमें, सबसे नीचे, सबसे इधर लीव्स आपको ऐसे कुछ ऐसे मिलेगी टाइप की। अब हम इसे लगा देंगे ऐसे, मुझे इसे ग्रीन कलर में लगाना है तो मैं इसको ग्रीन कलर में लगाऊंगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी तो मैं इसे अंडो कर दूंगा और अब मैं ग्रीन कलर लूंगा। अब मैं ग्रीन कलर से करूंगा इसे, आप देख सकते हैं बहुत ही हरी भरी दिख रही है। बूम 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 बूम, ये तो पूरा पेड़ पत्तियों से ही भर गया। भरा भी होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। अब मैं ऊपर जाके इधर एक फ्लावर ले लूँगा, ये वाला आप देख सकते हैं जैसे, और रेड कलर चूज़ करूँगा, जो आप अपनी पसंद का भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं रेड और येलो करूँगा, तो मैं पहले येलो कर रहा हूँ। अब मैं नीचे जाऊँगा और रेड ले लूँगा। अब मैं मैजिक टूल में जाऊंगा अगेन, मैंने ग्रास सिलेक्ट कर लिया है और मैं अब इधर भी ग्रास कर दूंगा। अब मैं स्टैम्प पे जाऊंगा, इधर एक पेंगुइन ले लूंगा इधर से, और एक तो मैं इधर पे लगा दूंगा, और एक मैं इधर पे लगा दूंगा ताकि लगेगा जैसे लटक रहा है और एक मैं इधर पे लगा दूंगा, ऐसा लगेगा जैसे ये देख रहा है दूर से ही। इधर लगा दूंगा और अब कुछ ऐसे लगा दूंगा जो जैसे कोई खेल रहा है। इसे मेरे को उल्टा करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये सेम सेम डिट हो गई, पर ये अपोजिट साइड है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो पे ये बेसिक चीजें बताई थी, ये मैंने अपने स्कूल में सीखा था। आप इसे अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना और उन्हें भी बताना कि क्या है जो मैं बता रहा हूँ, और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा, वो खेल खेल में सीखेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। ये थी टक्स पेंट की बेसिक चीजें। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।